हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारे फ़ोन में ओप्पो फ़ोन है, तो ओप्पो A59 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा यूसेज लिमिट है, तो डाटा यूसेज लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं ओप्पो A59 5G फ़ोन में, और कैसे आप डाटा यूसेज की लिमिट को सेट कर सकते हैं ओप्पो A59 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि डाटा यूसेज लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं और यूसेज लिमिट को आप कैसे लगा सकते हैं फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि डाटा यूसेज की लिमिट को सेट कैसे करें और फ़ोन में लिमिट कैसे लगा पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप डाटा यूसेज लिमिट को भी सेट कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो हम डाटा यूसेज लिमिट को सेट कैसे करेंगे, तो आपको पहले सर्च करना डाटा लिमिट। तो डाटा लिमिट का ऑप्शन से आपके फ़ोन में आ जाएगा, जो भी सेट डाटा लिमिट ऑप्शन पे जाना है। और जैसे आप इसको ऑफ़ करते हैं तो कोई भी लिमिट आप सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। एंड आप सिंपली इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही लिमिटिंग डाटा यूसेज का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आप डाटा यूसेज लिमिट को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम इसमें सेट करना चाहते हैं 1 GB यूसेज लिमिट, तो इस पर टैप करके GB पे टैप करना और सेट कर देना, जिससे डाटा यूसेज की लिमिट है आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी डाटा यूसेज की लिमिट को आप सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। एंड आप चाहें तो डाटा वार्निंग लिमिट भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें वार्निंग लिमिट सेट करना चाहते हैं 500 MB, तो यहाँ सेलेक्ट करके MB पे टैप करना और सेट कर देना, तो आपकी डाटा वार्निंग लिमिट भी सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से डाटा यूसेज लिमिट को सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।